हेलो दोस्तों, मैं हूँ NIBMS का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को बताएं कि जीमेंस की एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई थी। उसके बाद में CBSE के 10वीं एंड 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई थी। और उसके बाद जो है जी एडवांस की एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है नीट UG 2021 को एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अभी तक भी नीट UG 2021 की जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर जो है अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इसी सस्पेंस की वजह से जो नीट UG 2021 के एस्पिरेंट है उनके मध्य काफ़ी सारे जो है डाउट्स है कि सर, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसके एग्ज़ाम जो है वो कब होगी, सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम जो है वो एक साल में एक ही बार होगी या फिर दो बार होगी, और जो है ऑफलाइन मोड पर होगी या फिर ऑनलाइन मोड पर होगी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो नीट UG 2021 के एस्पिरेंट के मध्य है। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जो है वो जी एडवांस की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी गई है। ओके दोस्तों, तो जी एडवांस के जो एग्ज़ाम है वो 3 जुलाई को होंगे। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो है 12वीं में 75 मार्क्स की जो बाध्यता है उसको हटा दिया गया। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हो जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है वो लगातार जो है वो एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है नीट UG 2021 की एग्ज़ाम डेट को अनाउंस नहीं किया है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है उनका नीट की एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी सारे लगाव है, और इसीलिए वो जो है नीट के एग्ज़ाम डेट को सस्पेंस बनाते हैं। और उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट वो इसी में लग जाते हैं कि एग्ज़ाम जो डेट है वो एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, और इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप नीट UG 2021 के अच्छे से अगर प्रिपरेशन करो तो आप जो है अपनी स्टडी पर ही फोकस करें, इधर उधर की फालतू वीडियो ना देखें, और आप जो है यूट्यूब खोल कर भी ना देखें। क्योंकि आप जैसे ही यूट्यूब खोलोगे तो भैया वहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारे थंबनेल मिलेंगे जिससे आप अट्रैक्ट होकर आप जो है 20 से 30 मिनट जो है वहाँ पर अपना खर्च कर दोगे, और जो है 20 से 30 मिनट जो है वो बहुत होते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो है अपनी स्टडी पर फोकस करें। जब भी इसका कोई भी एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो उसका अपडेट जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि नहीं सर, हमको तो अपडेट जो है वो बहुत जल्द चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूँगा। वहाँ पर जो आपको कोई भी छोटा से छोटा जो अपडेट है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, उसके लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट है नीट UG 2021 के उनके बीच में यही डाउट्स हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब से होगी, सिलेबस रिड्यूस होगा नहीं होगा, और एग्ज़ाम जो है वो एक साल में दो बार होगा या फिर एक बार होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा। तो इन्हीं सारे डाउट्स को जो है मैं आगे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं कि जो है नीट UG 2021 के एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो CBSE के एग्ज़ाम है वो 4 मई से 10 जून के बीच में होने वाले, यानी कि 4 मई से 10 जून के बीच में CBSE के एग्ज़ाम होंगे, और 3 जुलाई को जो है आपके जे एडवांस के एग्ज़ाम होंगे। तो जो आपके नीट UG 2021 के जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो 20 से 30 जून के बीच में होने की संभावना है। ओके ओके दोस्तों, तो ये आप 90% जो है कन्फर्म मान के चल सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 20 से 30% 20 से 30 जून के बीच में होने की संभावना है। ओके दोस्तों, क्योंकि आपके CBSE के जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से 10 जून के बीच में होंगे, और जे एडवांस के एग्ज़ाम है वो 3 जुलाई को होने वाले हैं। तो जो नीट UG 2021 के जो एग्ज़ाम है वो 20 से 30 जून के बीच में होने की संभावना है। ओके दोस्तों, 90% जो है आप कन्फर्म मान के चल सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जे मेंस का जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं हुआ है, तो फिर नीट UG 2021 का सिलेबस भी रिड्यूस नहीं होगा। ओके दोस्तों,
अब बात करते हैं कि एक साल में एक बार होगा या दो बार होगा। देखो जैसा अभी लग रहा है कि जो जैसा कि इन्होंने एग्ज़ाम जिस तरह से ये पोस्टपोन कर रहे हैं जून जुलाई में, तो उस हिसाब से तो लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो एक साल में एक ही बार होने वाला है और पेपर एंड पेन मोड पर होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम एक साल में दो बार होता है तो ये एग्ज़ाम जो है या तो मार्च अप्रैल में कराते हैं, उसके बाद में जो है सितंबर अक्टूबर में दूसरा एग्ज़ाम होता है, लेकिन उन्होंने जो है जून जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कि जो एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा। अगर फिर भी इसके एग्ज़ाम को एक बार दो बार ही होगा तो इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो उसका जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और इसकी जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा एग्ज़ाम डेट को लेकर वो भी आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 से 30 जून के बीच में मान सकते हो, और आपका जो सिलेबस वही रहेगा, रिड्यूस नहीं होगा, और आपका एग्ज़ाम जो है वो अभी तक तो यही लग रहा है कि एक ही बार होगा। और बात करते हैं कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल में करेक्शन होंगे और मई में जो है आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी के हिसाब से तो जो आपके एग्ज़ाम है वो 20 से 30 जून के बीच में होने की संभावना है और एक साल में एक ही बार होंगे और आपके एडमिट कार्ड जो है वो मई तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं जो है वहाँ पर आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप जो है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे बोल सकते हो सर कि मैं नीट यूजी 2021 का एस्पिरेंट हूँ और मुझे जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो जो है मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और जब भी नीट यूजी 2021 से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि एक साल में दो बार होगी, इसके एग्ज़ाम डेट जो है वो कब है, तो इन सारा कोई भी नीट से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी कोई भी अपडेट होगा तो वो सारा अपडेट जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और जो है मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूँगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।